नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ बीएसटीसी के फोरम को लेकर, बीएसटीसी के एग्जाम को लेकर, और बीएसटीसी में जो आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका रहेगा, सब कुछ यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप देखो मेरे अगर रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आप सभी को पता होगा कि लास्ट ईयर भी मैंने बीएसटी से रिलेटेड लगातार आपको अपडेट दी थी, और इस बार भी जो लास्ट आपकी लिस्ट आई है या आपकी जो थर्ड लिस्ट आई है तब तक भी मैंने आपको बीएसटी से रिलेटेड जो अपडेट है वो लगातार दी है। क्योंकि यहां पर देखो जो बीएसटीसी की एक तरीके से सीटें रहती है या राजस्थान में जो कॉलेज है 375 के लगभग आपकी कॉलेज रहती है, लेकिन जो सीटें रहती है अभी देखो लास्ट ईयर 2022 की बात करें तो 2022 में ओनली 25,000 सीटें थी, 26,000 के लगभग सीटें थी, लेकिन इस बार आपकी 24,000, 25,000 या 1-2,000, मतलब कि हर साल 1-2,000 सीटें आपकी बढ़ती रहती है। अब बात करते हैं कि जो ये आप जो डीएलएड का एग्जाम देंगे तो वो किस प्रकार से क्या कुछ होता है। देखो सबसे पहले तो आपको आपके लिए मैंने जैसे सिलेबस के लिए काफ़ी चीज़ें मैंने नोट भी की है। देखो डीएलएड एक तरीके से 2 ईयर का, मतलब कि 2 साल का एक कोर्स रहता है, जिसको आप डिप्लोमा कोर्स बोल सकते हो, जिसको डिप्लोमा कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन बोल सकते हो। जो स्टूडेंट ये कोर्स कर लेता है, जैसे बीएसटीसी क्लियर कर लेता है, उसके बाद में उसको कॉलेज अलॉट होती है। जैसे फर्स्ट ईयर में मतलब कि कोई भी स्टूडेंट रहता है, देखो यहाँ पर कोई कैटेगरी मैटर नहीं रखती, यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, सॉरी आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, जैसे आप बायोलॉजी से हो या आप मैथ साइंस से हो, आप या कॉमर्स से हो या आप आर्ट्स से हो, तो आप बीएसटीसी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर, ठीक है। उसके बाद में अगर आप जैसे बीएसटीसी के लिए आप अप्लाई करोगे, वो मैं बता देता हूं कि आपको फोरम में, आपके जो फोरम है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट ईयर कब से स्टार्ट हुए थे। देखो इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आप एक थर्ड ग्रेड के टीचर बन सकते हो, क्योंकि आगे जाकर आपको रीट परीक्षा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और रीट परीक्षा में ओनली आप जैसे एक फर्स्ट क्लास से लेकर जो फिफ्थ क्लास तक के जो स्टूडेंट रहते हैं, क्योंकि वहां पर पात्रता फर्स्ट और पात्रता सेकंड रहती है तो पात्रता फर्स्ट में यानी रीट लेवल फर्स्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। वहां पर आपको एक क्लास से लेकर पांचवी क्लास तक के स्टूडेंट्स को आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 साल का आपका बीएड का कोर्स रहता है। वैसे तो यहां पर काफी ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं बीएड के, लेकिन यहां पर राजस्थान में सीटें लिमिटेड है, उस हिसाब से इसकी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ भी बहुत ही ज्यादा जाती है, ठीक है। अब लास्ट ईयर जो आपका फॉरम भरा गया था बीएसटीसी का, वो आपका लगभग अगस्त के लगभग भरा गया था, उसके बाद में अक्टूबर में आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो गए थे। लेकिन बात करें इस बार की, इस बार जो आपका फॉरम स्टार्ट हो जाएगा वो देखा जा रहा है कि मई के लास्ट वीक, लेकिन मैं तो यही मान रहा हूं कि आपका जो फॉरम स्टार्ट होगा वो आपका जून के फर्स्ट वीक में या जून के सेकेंड वीक तक आपका जो फॉरम है बीएसटीसी का वो लगना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे वो एग्जाम आपके अगस्त में जाकर कंडक्ट होने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, एग्जाम पैटर्न में क्या क्या सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितना आपको अटेम्प्ट करने हो, मतलब कि कितना आपको अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट आपके रहते हैं, जैसे 4 सब्जेक्ट मान सकते हो, वैसे तो 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश भी आपके डिवाइडेड हो जाती है। फर्स्ट सब्जेक्ट जैसे आपका रीजनिंग का रहेगा, रीजनिंग का जैसे 50 क्वेश्चन वहां पर आएंगे। सेकेंड आपका जीके रहेगा, जीके में राजस्थान जीके आएगी और ऑल ओवर इंडिया की जो जीके है वो भी आपकी आने वाली है, राजस्थान जीके आपकी यहाँ पर ज्यादा आएगी, जैसे राजस्थान के लोक नृत्य हो गए, लोकगीत हो गया, इनके इनसे रिलेटेड काफी चीजें यहाँ पर पूछी जाती है। थर्ड जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आपका रहेगा टीए का, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का, इससे भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो फोर्थ आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आपका रहेगा इंग्लिश का एंड हिंदी का। तो यहाँ पर आपको, आप देखो आप चाहे संस्कृत डिपार्टमेंट से हो चाहे आप हिंदी के डिपार्टमेंट से हो, आपको 20 क्वेश्चन ओनली 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के करने नेसेसरी रहेंगे, उनमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाएगी, वहां पर 20 क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे। साथ ही में जो अगर जैसे आपको हिंदी और इंग्लिश का दोनों का दिया जाएगा, 20 क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे, बाकी क्वेश्चन आप हिंदी में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आपका टोटल 200 नंबर का आपका ये मतलब कि जुड़ जाते हैं, बाकी ये आपका पेपर 500 या 600 नंबर का आपका ये पेपर होता है। उसी के बाद में एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं, देखो अगर आप बीएसटीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो आपके लिए जल्दी फॉरम में अवेलेबल हो जाएंगे, बाकी जितनी भी आगे की डिटेल रहेगी वो आपको मैं लगातार देते रहूंगा, क्योंकि अभी आपके पास जैसे जो पीटीटी के स्टूडेंट है उनका 21 जो मई आ रहा है, 21 मई को एग्जाम है, उसी के बाद में जो बीएसटीसी के स्टूडेंट है उनके लिए भी जल्द ही कोई अपडेट जल्द से जल्द जारी कर दी जाएगी। तो तब तक आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखिए, क्योंकि अभी जैसे आपका रिजल्ट आना बाकी है, रिजल्ट आते ही आप बीएसटीसी में लग जाइए। अगर आपको रीट भर्ती के लिए
अप्लाई करना है या आगे जाकर आपको शिक्षक ही बनना है तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको यह आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को